वेलकम आयुष, आई एम सो हैप्पी। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, खुश रहे। और मंडल का सबसे पहला जो स्टेटमेंट रहता है, डीजे लगा के नाचे। ठीक है कि आपने यस इतना दिन मेहनत किया, मैंने कई बार डीजे बजाया यहाँ पे, दैट इज फॉर क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन के लिए डीजे बजाया जाए, बट अब अपना खुद के लिए डीजे बजा के नचना है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा पीआई यस है, पीआई में 21 ऑल इंडिया रैंक लेके आया, एंड दैट इज टन यस सर। ऑफ सक्सेस। एंड ये सक्सेस के सक्सेस से आपको क्या क्या मिल सकता है, क्योंकि आपका जो इंजीनियरिंग है वो पीआई में है। देखो स्टूडेंट को मैं बता दूं, जिसका इंजीनियरिंग जिसने पीआई से किया और जिसने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किया, वो भी पीआई का पेपर दे सकता है। बट अगर मैकेनिकल से आपने डिग्री किया और आपने पीआई में फॉर्म भरा, तो आपको कुछ कुछ जैसे पीएसयू में, जैसे ओएनजीसी है, उसमें रिक्रूटमेंट नहीं मिलेगा। बट जैसे आयुष ने यस सर। पीआई से ही बीटेक किया है और पीआई से ही पेपर दिया है, तो इसको पीएसयू भी मिलेगा, तुमको आईआईटी भी मिलेगा। एंड आईआईटी में भी तुमको ज़्यादातर जो तुम्हारा चांसेस है वो मिलने का इंडस्ट्रियल। तुमने पीआई से पढ़ा यस सर ना? मैं भी उसी में। यस हाँ, सर। उसमें तुमको ज़्यादातर मिलने का जो चांसेस है वो है इंडस्ट्रियल। तो इसलिए आपका यस जो सर। है लाइफ तो सेटल्ड है, पीएसयू मिल सकता है, क्योंकि ओएनजीसी वाले रिक्रूट करते हैं, और इस बार अगर कोई और करे तो अच्छा है। एंड दूसरा चांसेस है कि तुमको टॉप जो आईआईटीज है उसमें एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, देखो सबसे टॉप जैसे नीटी था, वो तो चला गया, उसका छोड़ दो। अभी आईआईएससी बेंगलोर का एक होता है, दूसरा आता है कि आईआईटी कानपुर का जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, फिर आता है आईआईटी यस चेन्नई, फिर आता है आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी तक हम कंसिडर कर सकते हैं कि 100% आपको प्लेसमेंट मिलेगा। लेकिन एक बात यह है कि थोड़ा सा ये ध्यान रखा जाए, क्योंकि नाउ कंट्री इज गोइंग थ्रू रिसेशन, इसलिए जो मेरा आईआईटी से जो रिक्रूटमेंट का बात इस साल के लिए आ रहा है वो थोड़ा कम है। बट ये साइकिल चलता रहता है कि अभी थोड़ा कम है, 2 साल बाद आपका कैसा स्थिति में जाएगा, हो सकता है नौकरी बढ़ जाए। ठीक है, आप पूरा इंडिया का नहीं, पूरा वर्ल्ड का सिनेरियो जिस तरह से चेंज होगा, उसके हिसाब से आपको नौकरी का चांसेस बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या होगा कि जैसे अगर रिसेशन कंटिन्यू भी चले, तब भी आपको जो इंस्टीट्यूट में बताया हूँ उसमें आपको नौकरी मिलने का 99% चांसेस है। आप अगर रिसेशन चले तो पैसा थोड़ा सा कम मिलेगा। ठीक है, नौकरी तो आपको पक्का यस मिलेगा, पैसा थोड़ा सा कम मिलेगा, बट अगर आपका रिसेशन बंद हो जाए, अच्छा हो जाए, मतलब स्थिति वर्ल्ड का, तो फिर आपका जो है बहुत ही अच्छा पैकेज के साथ आपको नौकरी मिलेगा। तो मैं स्टूडेंट को इसलिए कहना चाहता हूँ कि देखो, ये होता है हमारा स्टूडेंट जो मेहनत करता रहा तो उसको सक्सेस एक ना एक दिन मिल ही जाता है। ठीक है, अब क्या है यस कि अच्छा, तुमने जो स्टार्ट गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था वो कब, कॉलेज से शुरू किए थे कि कॉलेज के बाद गेट का सर प्रिपरेशन? मैंने गेट का फर्स्ट अटेम्प्ट 2023 में दिया था, और उसमें प्रिपरेशन शायद अच्छे से नहीं हो पाई थी और मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था। कट ऑफ भी क्लियर नहीं होता? अच्छा, यस प्रिपरेशन सर मतलब प्रॉपर। 2023 में। अच्छा, फिर उसके बाद सर मैंने 1 ईयर पूरा प्रिपरेशन को ही अपने टाइम दिया, सारे अच्छा। चीजों को साइड करके, और सोनली फोकस बस गेट पे ही था कि फेब्रुअरी में एग्जाम है। तो मैंने लास्ट ईयर फेब्रुअरी में जब मैं गेट देके आया था तो मुझे आइडिया हो गया था कि मतलब एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, शायद कट ऑफ भी क्लियर ना हो। तो मैंने मार्च से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी लास्ट ईयर। दैट इज द पॉइंट, कि और स्टूडेंट टू स्टूडेंट पॉइंट टू बी नोटेड, कि आपको ऐसा नहीं दुखी होकर बैठना नहीं है, आपको पहले से जैसे हमारा क्या मिस्टेक है उसको सुधारना है, तो टाइम चाहिए। और अगर टाइम चाहिए तो दैट इज द बेस्ट थिंग, कि भाई हमें जब टाइम चाहिए तो हम जल्दी से जल्दी शुरू करें। अगर अर्ली शुरू करेंगे तभी जाके आपका सारे चीज़ कवर हो पाएगा। भाई सिलेबस तो मैकेनिकल का कम नहीं है ना, सिलेबस यस सर। रिविजन करना है, पढ़ना है, उसके बाद टेस्ट देना है, तो इतना सारे करने के लिए, पीआई का ही बोलो तो तब भी इतना सारे चीज़ करने के लिए आपको मतलब 1 साल तो चाहिए। एंड आपने बहुत एक्ट किया कि भाई मुझे पीआई में फोकस करना है और मुझे इसमें अच्छा स्कोर लेके आना है, अच्छा मार्क्स लेके आना है। एंड जो आपने लेके आ गया, ऑल इंडिया रैंक 21 लाना इतना आसान काम थोड़ी है।
अच्छा, ये जो गेट यस प्रिपरेशन है, क्योंकि आपने 1 साल का दिक्कत तो हुआ है, उसके बाद तो डिमोटिवेट तो हुआ होगा, तो ये यस जो सर चैलेंजेस है कि जैसे 1 साल से आप कुछ नहीं कर रहे हैं, चारों तरफ से फ्रेंड सर्कल से, सोशल मीडिया से, फेसबुक से, और आपका पड़ोसी से, रिश्तेदार से, सारे लोग क्या करता है, आके पूछता रहता है, बेटा क्या कर रहा हो, ठीक है। यस सर ये इससे, ये जो प्रॉब्लम है, इससे कैसे बचे स्टूडेंट के लिए, तुमने कैसे किया और स्टूडेंट कैसे बचे इस चीज़ से? सर मैंने अपने जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं अपने माइंड में यही रखता था कि अगर मैं 1 ईयर अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा सारे चीजों को साइट करके और अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग पे ज्यादा ध्यान दूंगा तो फिर बाकी लोग ज्यादा क्या बोल रहे हैं उससे खुद को एटलीस्ट ज्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर 1 साल हम अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे तो वो रिजल्ट खुद ही एक प्रूफ होता है कि हाँ अगर 1 साल मैं बैठा हूँ जॉब वगैरह अगर छोड़ के तो उस टाइम को मैंने अपने प्रिपरेशन में दिया है ना कि अदर एक्टिविटीज पे। वेरी और गुड। मोस्ट इम्पोर्टेंटली सर का भी काफी सपोर्ट था मेरे मम्मी पापा का, उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि फील नहीं होने दिया कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ जॉब में नहीं हूँ। वो हमेशा यही बोलते थे कि नहीं अगर तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो तो 1 ईयर टाइम देना सही है। दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट। अच्छा, आप थोड़ा सा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में आ जाए, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में बताओ थियोरी, क्वेश्चन, PYQ, रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज, एक एक करके, तो यस प्रिपरेशन कैसे स्टूडेंट फॉलो करे इसको? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ के दिस सर इंटरव्यू इज नॉट कि मुझे शो करना है कि मेरा नोट से सब कुछ आ गया, ठीक है, मुझे वो तो आता ही है, लेकिन उसको शो करने के लिए मैं इंटरव्यू नहीं रहा हूँ। मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ कि भाई स्टूडेंट जो है, जैसे हम बताते रहते हैं, उसके साथ आपने सक्सेस लेके आया कि आपको क्या लगता है, जैसे PYQ का क्या वैल्यू है, थ्योरी, क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है, रिविजन करना कितना इंपॉर्टेंट है, टेस्ट देना कितना इंपॉर्टेंट है, क्या लगता है? यस सर मेरे अकॉर्डिंग प्रिपरेशन के बिल्कुल इनिशियल फेजेस में जैसे मेरा स्ट्रेटेजी था तो थ्योरी पे और कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग पे काम करना सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे जब हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, डेरिवेशंस हुए हैं, थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन हुए हैं, वो चैप्टर में क्या पढ़ाया जा रहा है और उसके बाद फिर क्वेश्चन यस बनाना वो भी लेवल। जैसे अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ लिया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जैसे मैंने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंस पढ़ा तो कोशिश यही होती थी कि अगर मैंने पढ़ लिया है उससे अच्छे से पढ़ के उसी दिन क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिस कर लूं वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक पे जाने पहले टॉपिक यस वाइज। यस यस टॉपिक वाइज करना बहुत जरूरी है। एंड व्हाट इज द यस सर वैल्यू ऑफ PYQ? PYQ सर काफी हेल्प करते हैं किसी भी एग्जाम में। जैसे सर प्रोडक्शन में या मैकेनिकल कोई भी स्ट्रीम हो, अगर कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आजकल तो सर सारे टॉपिक वाइज भी आते हैं PYQ में, तो अगर थ्योरी क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल अगर हो गए हैं तो उसके बाद PYQ उस कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि हाँ मैंने यह चैप्टर पढ़ा है, PYQ हो रहे हैं, तो अब मैं दूसरे स्टेज पे या दूसरे चैप्टर पे मूव ऑन कर सकता हूँ। बिना PYQ के सर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड व्हाट इज द वेर ऑफ टेस्ट सीरीज? टेस्ट सीरीज सर मैंने, अगर मेरा फरवरी में एग्जाम था तो मैंने दिसंबर से सर स्टार्ट कर दिया था लगाना। स्टार्टिंग में वीक 1 या 10 डेज में एक टेस्ट सीरीज, एंड सर मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे ये लगा कि सर टेस्ट सीरीज देना तो इम्पोर्टेंट है ही, पर सर एनालिसिस ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा मुझे। टेस्ट सीरीज के बाद ऐसे मेरे मिस्टेक्स कहाँ हुए, सिली मिस्टेक्स स्पेशली कहाँ हुए, क्वेश्चन यस आ रहा था यूनिट में कहाँ मिस्टेक हुआ, थाउजेंड बिल्कुल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया, तो वो सब सर मैं काउंट रखता था टेस्ट सीरीज में, और फिर स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव होता रहा। जनवरी में यस सर दैट इज द मेन थिंग कि टेस्ट दे के कुछ बंदा कहता है ना सिर्फ मार्क्स चेक करता है, फिर उससे कुछ नहीं होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारा यस मार्क्स सर तो जो वो मार्क्स तो ऐड नहीं होने वाला है, लेकिन तुम अगर उससे क्या नो गलती हुआ उसको सुधार लोगे तो तुम्हारा मिस्टेक कम होता जाएगा, एंड एक्चुअल एग्जाम में जाके मिस्टेक नहीं होगा, तो उस नहीं होगा तो एकदम मिनिमम हो यस जाएगा। उसके कारण जो है टेस्ट सीरीज को इस तरह से यूज करना चाहिए। यस सर एंड जैसे तुम्हारा सेल्फ मोटिवेशन इस चीज में, सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि एक्चुअली ये एक लंबा जर्नी है, 1 साल 2 साल जब बंदा जब पढ़ता है ना, ये बोलने का यस कहने सर का 1 साल है, लेकिन 1 साल में जो यस बारह सर बारह महीना बिताना पड़ता है, तो उसमें कितना चैलेंजेस यस आता है, कितना
डीमोटिवेशन आता है, तो खुद को किस तरह से कैसे मोटिवेटेड रखे इस प्रिपरेशन स्टेज में स्टूडेंट? सर, जस्ट लास्ट ईयर जब मेरा गेट का पेपर हुआ था पीआई का, और जब स्कोर उतना अच्छा नहीं आया था, मतलब क्वालिफाई भी जब नहीं हुआ था, तो मैंने उसी समय डिसाइड किया था कि अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना है बस अब 1 साल, और जितना हो सके अपने तरफ से एफर्ट करना है और टॉप 50 में रैंक लाना है। वाह, दैट तो इज सर द मेरा ग्रेट। मोटिव, यस सर, टॉप 50 में रैंक इस पेपर में लाना है। ओके ओके, और सर 1 ईयर में सर काफी कुछ चैलेंजेस भी होते हैं सर। डिमोटिवेशन तो लगता ही है कि सारे जॉब में हैं और हम तैयारी कर रहे हैं, तो सर ये उन सब सब से, से सर इन सब से थोड़ा थोड़ा बच के रहना भी मुश्किल होता है, ठीक है? कि सारे लोग जॉब कर रहा है, सर जॉब कर रहा है, मैं ही पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, होगा नहीं होगा, लेकिन ये इसलिए माइंड सही है। इसलिए मंडल का जुगाड़ रहता है कि भाई इस बार गेट फोड़ूंगा, इस बार गेट फोड़ूंगा, जिन दिन में 3-4 बार खुद को बोलना है। अगर आप खुद को यस बोल पाएंगे तो तभी क्या होगा, वो मोटिवेशन अंदर से आ पाएगा कि फिर अगर गेट फोड़ूंगा, मैं बोल रहा हूँ दिन में खुद को और पढ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो फिर कैसे फोड़ूंगा? तो फिर अपने आप जो आपको सेल्फ मोटिवेशन उससे आता है, ठीक है? इसलिए आपने देखा होगा कि यस मेरा हमेशा ऐसे ही रहता है कि जैसे कहीं पे जाता है, अभी मेरा एक इसमें यूट्यूब में एक वीडियो आया था, ऐसे ही मतलब ये टाइप का डिस्कशन का, मतलब कुछ क्विज का था। तो फिर लास्ट में यस क्या हुआ, मुझे पूछा कि बताओ किसने जीता होगा, मतलब मैं जीता हूँ, ठीक है? अब ये जो यस कॉन्फिडेंस है, कि ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। अब ये कॉन्फिडेंस से आप जीतोगे भी, अगर आपने पहले से हार के बैठे हैं तो फिर दिक्कत होता है। इसलिए मेरा कहना है कि हर बंदा को जो प्रिपरेशन करता है उसको दिन में 3-4 बार खुद को बोलना है, किसी को नहीं, कि मैं तो इस यस बार गेट फोड़ूंगा। आप जैसे आप दिन में 3-4 बार बोलने जाओगे तो तुम्हारा पहले ही याद आएगा, अच्छा मैं तो आज पढ़ा ही नहीं तो कैसे पढ़ूंगा। तो फिर आपको यस वो सर मोटिवेट करेगा कि नहीं भाई, किताब लेके बैठ, क्वेश्चन सॉल्व कर, टेस्ट दे। तो ये सब चीज जो है आपके अंदर अपने आप आएगा। यस सर तो और थैंक यू वेरी कंटिन्यूटी मच। सर हाँ, कंटिन्यूटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी। इसलिए आई एम सो हैप्पी। एंड थोड़ा सा मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम्हारा, अभी मैं ज़्यादा टाइम इसमें नहीं दूंगा, क्योंकि स्टूडेंट को भी देखना है बार बार इसका वीडियो को। तो यस मैं तुम्हारा क्या सजेशन है फ्यूचर एस्पिरेंट के लिए, व्हाट यू विल सजेस्ट फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट, कि जैसे एकदम 2 डिजिट वाला रैंक लेके आए, बंदा का 2 डिजिट वाला रैंक वो लेके आए। सर, मेरा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सजेशन यही होगा कि जब भी आप लंबा प्रिपरेशन कोई भी स्टूडेंट कर रहा है, तो सर कंटिन्यूटी मेंटेन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन मैं 7-8 घंटे पढ़ रहा हूँ, दूसरे दिन मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा हूँ। अगर कुछ बहुत अर्जेंट भी है, कुछ काम भी है, तो एटलीस्ट मैं 1 घंटे 2 घंटे उस दिन भी पढ़ाई करूंगा कि कंटिन्यूटी मेरी ब्रेक ना हो। फेस्टिव सीजन्स भी है तो मैं कंटिन्यूटी को टूटने नहीं दूंगा। एंड इन द लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज प्लस एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस, यस, टू सजेशंस टू फ्यूचर एस्पिरेंट्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आयुष, एंड यू आर ऑलवेज वेलकम, मंडल इज ऑलवेज देयर। इसके बाद जो प्रोसेस है पोस्ट गेट गाइडेंस, उसके लिए हम, मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर है ऑलवेज खुला है, ठीक है? जहाँ पे कौन सा पीएसयू मिल रहा है, कौन सा पीएसयू में बुला रहा है, कौन सा आईआईटी मिल रहा है, क्या हो रहा है, तो ये सब सारे जहाँ भी जब जरूरत पड़ेगा तो यू आर ऑलवेज वेलकम। एंड फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट, अगर कभी किसी से, जो पीआई का स्टूडेंट हो, तो मैं तुमसे कनेक्ट यस कराऊंगा, तो यू शुड गाइड देम। ओके, मेरा तरफ से श्योर मैं सर, आपको गाइड करूंगा, बट आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा कंट्री के लिए जो हमारा फ्यूचर एस्पिरेंट है उसको आप लोग गाइड करें, ठीक है? यस चलो, थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड ऑल द बेस्ट कि आपने सक्सेस लेके आया। एंड मंडल का जो बात है, आप डीजे लेके नाचो, संडे है, डीजे लेके नाचना नहीं भूलना है, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।